हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्कॉलर एलाइट। आज मैं यहाँ पर दोस्तों एमपीजीके की जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है मिशन 2020 2020, उसका तीसरा पार्ट बता रहा हूँ। और इसमें आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसके जो है कई पार्ट आने वाले हैं। आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियोस को देखते रहिए, शेयर जरूर कीजिए। तो आज जो हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश जो है हमारा, उसकी भौगोलिक संरचना कैसी है, किस टाइप की भौगोलिक संरचना है हमारे पास। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, हम मैप के थ्रू इसको समझेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर जो हम बता लिख देते हैं ऊपर क्या है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। क्या? भौगोलिक, भौगोलिक संरचना। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, अपना एमपी का मैप बनाना, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैप जो है आपको याद होना चाहिए कि मैप कैसे आप बना। थोड़ा बहुत चलेगा, परफेक्ट आप नहीं बना सकते, लेकिन प्रैक्टिस से परफेक्शन भी यहां पर आ जाएगा। तो मैप जो है आप बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैप बनाएंगे, जितना ज्यादा मैप बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही अच्छा आपको होगा मेंस वगैरह, एमपीपीएससी के मेंस वगैरह में। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। तो कुछ इस टाइप का हमारा एमपी का मैप है, ये मैप हो गया। अब इसमें जो किस तरीके की भौगोलिक संरचना है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैसा है हमारा। तो ये तीन पार्ट में सबसे पहले तो डिवाइड है, तीन समझिए फिर मैं आपको बताता हूं क्या कैसा है। एक है हमारा मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश। तीसरा, दूसरे नंबर पे है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी या मैकल श्रेणी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। तो पूरब यानी कि इधर की बात होगी, आपको ये रहना चाहिए। जिसको इसमें जो है एक ही आता है वो मैं लिख देता हूं, बघेलखंड, बघेल खंड का पठार, का पठार। एक ही चीज आती है पूर्वी में, और सतपुड़ा मैकल श्रेणी में अपना सतपुड़ा और मैकल, ये दो चीज आते हैं। बाकी जो भी चीज है, जैसे मध्य भारत का पठार है हमारा, है ना, बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, नर्मदा सोन घाटी है, ये सब आते हैं आपके मध्य उच्च प्रदेश में। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे कैसे क्या आपको यहाँ पर याद रखना है, कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी। सबसे पहले यहां से देखिए, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। हमने यहां से ये वाला हिस्सा पूरा उठाया, ठीक है। इस हिस्से को बोलते हैं मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। क्या बोलते हैं? मध्य भारत का पठार बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है कि इस हिस्से को, ये मैप में याद होना, इसलिए मैं मैप बना के बता रहा हूं आपको, ये मैप में आपको याद होना चाहिए कि मध्य भारत का पठार बोलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल है यहां पर 32896, नंबर से याद रखिए, वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज की बात करें तो ये परसेंटेज है 10.68%। तो ये परसेंटेज मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और इस वीडियो में मैं आपको ये जितने भी आपके टोटल हैं, जितने भागों में विभक्त किया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन सेपरेट सेपरेट से मध्य भारत पठार, इसके ऊपर हम पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो सब चीजों पे इसका हम वीडियो बनाएंगे और क्या इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। अभी बस मैं आपको सार बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें कहाँ है मैप में आपको याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से जो हिस्सा स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है, यहां से ये वाला हिस्सा पूरा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है इसको बोला जाता है पूरा मालवा का पठार। क्या? मालवा, यहाँ पे मैं इंक चेंज करता हूं, मालवा का पठार, मालवा का पठार इसको हम बोलेंगे। और इसका जो है परसेंटेज 28% है। इसका अगर हम एरिया की बात करें तो 88222, ये आपको याद रखना है, 88222। देखिए नंबर्स का गेम है ये, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखेंगी, एमपीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे कई प्रकार के क्वेश्चन इससे आपको पूछे जाते हैं। अब इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे जो है आपका, इसी के जस्ट नीचे यहां पे जाते हैं, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, कौन सा,
ये वाला हिस्सा। तो ये आपको, इसको बोला जाता है नर्मदा सोन घाटी, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी, ये ऐसे चला जाएगा आपका। इसका जो परसेंटेज है वो है 26%। किलोमीटर की बात करें तो 86,000 वर्ग किलोमीटर, 86,000 वर्ग किलोमीटर हो गया जस्ट। उसके बाद ये जो नीचे का पूरा हिस्सा पड़ता है आपका, ये यहां तक, ये इधर पूरा, ये नीचे का हिस्सा, इसको बोला जाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। क्या? सतपुड़ा के घने जंगल आपने सुना होगा, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसके अगर परसेंटेज की बात कर लें तो ये है 11%, और अगर नंबर्स में बात करें तो ये है 34,000, 34,000 वर्ग किलोमीटर। तो हमने क्या देखा, हमने मध्य भारत देख लिया पहला, दूसरा है यहाँ पे मालवा का पठार, तीसरा यहाँ पे नर्मदा सोन घाटी, चौथा हो गया सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब हम बात करते हैं ये इतना एरिया, ये एरिया जो है यहाँ पे, अगर हम बात करें ये वाले एरिया की, अगर हम बात करें तो ये एरिया जो हमारा यहाँ पर है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। इतने एरिया को, इस वाले को, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड का, ये जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर जो, उसको क्या बोलेंगे, बुंदेल खंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। इसकी अगर हम टोटल बात करें कि इसका कितना विस्तार है, कितना क्या है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है बुंदेलखंड का पठार, ये वाला पूरा हिस्सा इसका है 7.7%, और 23733, ये नंबर्स आपको जरूर याद करने पड़ेंगे, वर्ग किलोमीटर। तो ये वाला हिस्सा हो गया बुंदेलखंड का। अब यहाँ पे जो इतना सा ये आपको मिल रहा है, तो इसमें दो चीजें हैं, दो में डिवाइडेड है, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा आपका बघेलखंड का पठार, बघेलखंड, दूसरे इंक से लिखता हूं मैं सबको, अलग अलग इंक से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो, इसको हम व्हाइट ही ले लेते हैं। तो ये है बघेल, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड, कौन सा, ये था बुंदेलखंड, ये है आपका ये वाला हिस्सा, मैं इसको ब्लैक कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा है बघेलखंड का पठार, ये है 7% और 25,000 वर्ग किलोमीटर, 25,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये वाला जो हिस्सा हो गया बघेलखंड हो गया। अब एक जो है, इतने के बाद जो एक हिस्सा आपका बचा हुआ है, कौन सा, ये वाला जो मैं व्हाइट व्हाइट इसको मार्क कर रहा हूं, ये वाला पूरा यहां से, ये यहां वाला जो ये बच गया आपका, इसको हम बोलते हैं रीवा पन्ना का पठार। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं रीवा पन्ना का पठार। क्या बोलते हैं, रीवा पन्ना का पठार। इसकी अगर हम बात करें तो इसका परसेंटेज है आपका 10.37%, 10.37%, ये आपको याद रखना है। अगर इसको नंबर्स की बात करें तो ये है आपका इतना वर्ग किलोमीटर, 3454 वर्ग किलोमीटर। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। थोड़ा सा इसमें आपको बुक्स वगैरह का भी आपको वो देख सकते हैं बुक बुक में, या फिर कोई ब्लैंक अगर आप मैप आपके पास हो, जैसे मार्केट में मिलते हैं ब्लैंक मैप, तो उसमें इसको आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। बुक्स में भी मिल जाएगा, महावीर की बुक में भी दिया हुआ है, पुणेकर में भी दिया हुआ है, बुक में ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा, एक दो बार आपको खुद बनाना पड़ेगा। जैसे कि ऐसा नहीं है कि सब चीजें मेरे को भी याद है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस इतने बार की है कि मेरे को लगभग लगभग याद हो गया। कुछ चीजें होंगी जैसे नंबर्स की बात करें, ये नंबर्स हो गए, इनमें थोड़ा बहुत आपको फर्क मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जो बुक में है लगभग लगभग वैसा ही है ना। तो एकदम एग्जैक्ट डेटा की भी जरूरत नहीं है हमको कि एकदम परफेक्ट कि डबल ए ट्रिपल टी हो याद हो, लेकिन इतना भी नहीं हो कि मान लो 32896 वर्ग किलोमीटर है तो आप इसको जो है 30,000 बोलो, तो ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना। थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का, इसको आप इतना भी अगर लिखोगे 32890 लिखते हो तो कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप 30,000 लिखोगे तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये चीजें जो है यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो मैंने क्या क्या बताया, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी हो गया आपका, बुंदेलखंड का पठार हो गया, बघेलखंड का पठार हो गया, रीवा पन्ना का पठार हो गया। ये चीजें तो आपको याद रखनी है। इसको क्या है कि छोटा सा पार्ट नहीं, इसको अब
सिर्फ जैसे जो मध्य भारत का पठार है इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसका एक अलग से हम सेपरेट सेपरेट सब चीज का अलग से एक सेपरेट सेपरेट वीडियो आपको बनाया जाएगा। मध्य भारत का पठार के लिए एक अलग वीडियो बनेगा, मालवा का पठार का एक अलग वीडियो बनेगा, सोन घाटी पे एक अलग वीडियो बनेगा, सतपुड़ा महाकाल श्रेणी पे एक अलग वीडियो बनेगा, यानी कि सभी पे अलग अलग एक वीडियो आपको यहाँ पर बन के मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि उसमें सारी चीजें हो जाएंगी, प्री से लेके मेंस तक का पार्ट वो कवर कर लेगा। अगर मेंस में जैसे आता है कि 100 शब्दों में मध्य भारत का पठार के बारे में आपको जानकारी देनी है तो कैसे देंगे, तो वो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, उसमें पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आप उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे। तो ये हमारा था मध्य प्रदेश का भौगोलिक संरचना, जो कि आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, और आने वाले वीडियो में हम सबको एक डिटेल पार्ट में देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।